हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम आपको आज बताएंगे स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध कैसे लिखें या स्वच्छता पर निबंध कैसे लिखें। आपकी डिमांड पर बनाया हुआ वीडियो है। आपने हमें कमेंट करके बताया था कि सर हमें स्वच्छता पर निबंध लिखना है, तो निबंध कैसे लिखें, तो हमने स्वच्छता पर निबंध लिख कर बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना क्या होगी हमारी? स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है। देखा जाए तो अपने आसपास सफाई करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत भारत सरकार ने देश में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए की है। हम इसे तो अपने घर साफ रखते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम अपने देश को भी साफ रखें? कूड़े को यहाँ वहाँ न फेंक कर कूड़ेदान में डालें। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज़्यादा जरूरी है। वे उस समय में व्याप्त गरीबी और गंदगी से अच्छी तरह अवगत थे। उनका यह कथन साफ बयां करता है कि सफाई हम सबके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगली हेडिंग होगी हमारी स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान को भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की और उन्होंने राजपथ पर जन समूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों के स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य। स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं? 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित कर के गांवों को में पाइपलाइन लगवाना, जिससे स्वच्छता बनी रहे। 2019 तक सभी घरों में पानी की पूर्ति सुनिश्चित कर के गांवों में पाइपलाइन बिछाना, जिससे स्वच्छता बनी रहे। अगला पॉइंट होगा हमारा खुले में शौच बंद करवाना, जिसके कारण हजारों बीमारियां फैलती हैं। गांवों को साफ रखना, सड़कें फुटपाथ और बस्तियों को साफ रखना, साफ सफाई के जरिए सभी में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना। उपसंहार क्या है इसका? जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें। यह कथन कहा था महात्मा गांधी जी ने। जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप में लागू करें, महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी की यह बात स्वच्छता पर भी लागू होती है। अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। यह सच बात है। यदि हमें कोई चीज़ बदलनी है या किसी से कोई चीज़ बदलवानी है तो वो चीज़ हम खुद पर लागू करके देखें। यदि हम वो बदल सकते हैं तो दूसरे लोग भी उसका बदलने का प्रयास करेंगे। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुँचानी होगी। हमें इसके लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डालनी चाहिए। एक सच्चे नागरिक होने का हमारा कर्तव्य है कि ना गंदगी फैलाएं ना फैलने दें। देश को अपने घर की तरह चमकाएं, ताकि आप भी गर्व से कह सकें आप भारतवासी हैं।
तभी स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना साकार होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आपके भी माइंड में कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप किसी और टॉपिक पर निबंध या एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद स्टूडेंट।